सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निकली जाती है। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे, ऐसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं, उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। आज का पंचांग 7 मई 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 8:15 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 8:21 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 5:10 से 6:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि 7 मई 2023 दिन रविवार, कोई व्यक्तिगत असफलता आपके तनाव का कारण बन सकती है। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनका पता लगाएं और उनका प्रबंधन करें। अपेक्षित विरासत से आपको धन लाभ हो सकता है। भविष्य के लिए सकारात्मक कार्य प्रणाली निर्धारित करने के लिए बुद्धिमानी से निवेश करें। क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? अपने आप में दृढ़ विश्वास रखें और जल्दी ही आप सभी बाधाओं को दूर पाएंगे। लोग अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए लोगों पर विश्वास ना करें। धन खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन स्वयं हमें अपने खुद को चुनने का मौका देता है। आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में है। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। परिवार में नए सदस्य के आने की खबर आपको रोमांचित कर देगी। समारोह आयोजित कर इस खुशी को सबके साथ बांटें। आज आप जीवन में अच्छे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता ना करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसीलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। आप जी तोड़ मेहनत करेंगे और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीजें संभाल सकते हैं। इस समय ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी। सामाजिक कार्यों में जुड़ने का मौका मिलेगा। टारगेट पर फोकस रहेगा तो जीत मिलेगी। सूझबूझ और विवेक से काम करने पर हर मामला आपके फेवर में होगा। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। लोगों से प्रशंसा मिलेगी, लेकिन फिर भी मन अशांत रह सकता है। अपने नजरिए को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपेक्षाओं को समझें। जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपके जीवन को सही दिशा मिलेगी। मानसिक रूप से तैयार न होने से तनाव हो सकता है। नौकरी बदलने की इच्छा हो सकती है। जब तक दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होता है तब तक रिस्क ना लें। पुराने रिलेशनशिप को भूलकर वर्तमान रिलेशनशिप पर ध्यान दें। गैस की वजह से पेट दर्द हो सकता है। आज परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती का भी दिन है। लाभकारी संपर्क भी होगा। कुछ घर के रखरखाव पर खर्च हो सकता है। योजनाएं बहुत अच्छी साबित होगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है, ये क्रोध का कारण बनेगा। गलत गतिविधियों से दिक्कत हो सकती है। जितना हो सके उधार लेने से बचें। सावधानियां, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में दिक्कतें आ सकती है। बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से सोच विचार जरूर करें।
रिस्क ना लें। अपने स्वभाव में समझदारी और मजबूती लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशियाँ रहेगी, माहौल अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। मृत्यु के तहत की स्थिति आपको चिंतित कर सकती है। अभी रोमांस और यौन शोक आपकी प्राथमिकता है और प्रेम क्रीड़ा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। पिता या शिक्षक को हुए घाटे से आपको अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। आत्मनिर्भर होने और हर तरह की निराशा को दूर करने के लिए अब समय शुभ है। आज आप निराश हो सकते हैं क्योंकि आपके जीवन साथी द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन शांत रहें और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज ना करें। अपने प्यार के साथ समय बिताएं और हो सके तो उसके लिए कुछ खास करें। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रही हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। आज कोई भी वित्तीय निर्णय लेना घातक हो सकता है, इसीलिए इससे बचें। जीवन में आया कोई भी दुख या बदनामी आपको कमजोर नहीं करती बल्कि मजबूत बनाती है। नए कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें ताकि कोई परेशानी ना हो। आज आप निराश महसूस करेंगे लेकिन अपनी विश्वास को कम ना होने दें। आप उन मुसीबतों का भी कुशलता से सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को प्रभावित कर रही है। आज लोग अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे। आज धन मुख्य मुद्दा है। माना कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता लेकिन इससे जीवन आसान हो जाता है। बिजनेस की कोशिशें सफल रहेगी। मार्केटिंग और प्रोडक्शन संबंधित कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी अनजान से बिजनेस संबंधित बातें शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। ऑफिस में जिम्मेदारी भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। चिंता के कारण नींद न आने की परेशानी रहेगी। योग और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। आज किसी परिचय को थोड़ा बीमार होने के कारण आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। आप खुद को उसकी देखभाल के लिए तैयार पाएंगे लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथों को कई बार धोएं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटी छोटी चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। आज का उपाय। आज आप घर के सभी सदस्यों के माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।